भीतरवार क्षेत्र में स्थित प्राचीन धूमेश्वर महादेव मंदिर कई ऐतिहासिक गाथाएं संजोए हुए है। डबरा से 27 किलोमीटर और भीतरवार से करीब 16 किलोमीटर दूर शिव और पार्वती नदी के संगम स्थल पर बने धूमेश्वर महादेव मंदिर के बारे में बताया गया है कि इस मंदिर का निर्माण एक ही रात में किया गया। ओरछा नरेश वीर सिंह ने इस मंदिर का निर्माण एक ही रात में कराया था। प्राचीन एवं चमत्कारिक पिंडी का दर्शन मात्र करने से ही लोगों की मान्यता पूरी होती है। धूमेश्वर महादेव मंदिर जिले का सबसे प्राचीन एवं ऐतिहासिक मंदिर है। शिवरात्रि के पावन पर्व पर धूमेश्वर महादेव मंदिर पर लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ती है। आइए जानते हैं धूमेश्वर महादेव 1008 अनिरुद्ध वनजी महाराज से धूमेश्वर महादेव मंदिर के बारे में। नाम है हमारा आसिफ रियाज और जैसा कि आप सब लोग जानत हो कि आज पूरे देश में महाशिवरात्रि को पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। हम भी आज पहुंच गए यहाँ धूमेश्वर धाम में, तो हमसे दो बातें करवे के लाने आज हमें मिल गए यहाँ धूमेश्वर धाम के महाराज अनिरुद्ध जी वन महाराज। जनों को भगवान भोलेनाथ भगवान सबकी मनोकामना करें। यहाँ जो प्राचीन सिद्धपीठ आपको देखने को, जो हजारों वर्ष पुराना जो भगवान शिवालय है, स्वयंभू है, उनके देखने को मिलता तो यहाँ कई बार अपने आप पूजा हुई है। कई लोगों का यहाँ कहना है, सुना है हमने भी, एक रात में ये मंदिर बना हुआ है। यहाँ नागवंशी राजाओं का राज रहा है, यहाँ परमानों का भी राज रहा है। ऐसी महाकवि भगवती जी का भी यहाँ कर्म क्षेत्र रही है। भगवती महाकवि जो हुए उनका भी रंगमंच है, हम भगवान में जा करके। ये वास्तविक प्राचीन सिद्ध स्थल है, स्वयं शिवलिंग है। यहाँ अनंत भगवान का यज्ञ पूजन अभिषेक होता है। अभी वहाँ विशाल मेला शिवरात्रि, लाखों दूर दार से हर प्रांतों से यहाँ महाराज जी। शिवलिंग तो गाँव में भी है, जगह जगह शहरों में भी है, लेकिन आस्था का केंद्र धूमेश्वर धाम 70 किलोमीटर दूर भीतरवार में भी शिवलिंग देखने को मिलती है, लेकिन जनता जनार्दन आखिर धूमेश्वर धाम क्यों दर्शन करने आती है, इसका क्या कारण? स्थान न बल प्रधानम स्थान प्रधान, स्थान स्थान की महिमा होती है। भगवान तो सभी जगह है, परंतु भगवान स्थान की एक महिमा होती है। यहाँ स्थान तपस्थल है, यहाँ 500 ऐसी समाधि आपको दिख जाएंगी, जो हमारे आदि पूर्व जो महात्मा संत सन्यासी महात्मा जो रहे हुए, उन्होंने यहाँ तप किया है, तपस्थली रही है। ये तपस्थली है, यहाँ पता थे गाय और शेर एक ही जगह बैठेगा। ये आज कितना लोग हम आ पाते, आज यहाँ घोर जंगल हुआ करता था समय, तो ये तपस्थली है, स्वयं शिवलिंग है यहाँ। तो यहाँ तपस्या अध्यात्म सिद्धपीठ पूजा करते हैं, ये कोई साधारण शिवलिंग नहीं है, स्वयंभू है। तो यहाँ वास्तविक यहाँ की सिद्धपीठ है, यहाँ सिद्धपीठ हुए तब होता है, तो वहाँ जो है उसमें जागृति होती है। महाराज जी यहाँ पे सुनने को भी ये आया है कि ये एक दिन में मंदिर बनाया गया था, जिस टाइम ये मंदिर बनाया गया, तो क्या और कैसे इसकी नींव रखी थी? जी एक जो बताया जाता है, हमने भी ऐसा सुना है, कहते लोग अब उसका कि मंत्र कैसे कह सकते, तो एक आदमी जिंदा उनके द्वारा एक आदमी बनाया गया, ऐसा सुनते हैं लोग कहते हैं। कुछ यहाँ जो नागवंशी राजाओं का जो राज्य रहा, वो उनके शिव जी रहे नागवंशी राजाओं के, उन्होंने भी यहाँ जो जीर्णोद्धार या मंदिर का निर्माण, इसके बाद ओरछा नरेश ने भी यहाँ जीर्णोद्धार कराए हैं।